नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीडी स्पीकर बनाने वाले हैं, यह उसका फिनिश प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये 1650 वाट का स्पीकर है, इसमें 5 इंच का वॉइस कॉइल लगता है, डबल स्पाइडर लगता है, इसमें स्पेशल कोन पेपर्स लगते हैं, तो हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे। ये पिछली बार जो बनकर आया था जहाँ से, तो बहुत बुरी कंडीशन में बनकर आया था और इसमें एरालाइट इतना ज़्यादा गिरा दिया गया था उसको पैकिंग करने में कि साफ़ करते करते हालत ख़राब हो गया। अगर हम इसमें ग्राइंडर यूज़ नहीं करते तो यह स्पीकर बनाना बहुत ही मुश्किल होता। तो चलिए स्पीकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्पीकर को हम अच्छी तरीके से साफ़ करके रख लिए हैं। इसमें जहाँ पर हमारा स्पाइडर चिपकेगा और जहाँ पर हमारा कोन पेपर चिपकेगा उसको भी साफ़ कर लिए। दोस्तों, ये देखिए, ये 5 इंच का मेरा ही बनाया हुआ इन आउट वॉइस कॉइल है। इसका वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं और फ्यूचर में भी इसका भी एक और वीडियो हम डालेंगे। और ये हम फर्स्ट स्पाइडर यहाँ पे लगा रहे हैं। ये आपका प्लेन स्पाइडर रहेगा जुपिटर कंपनी का, उसके ऊपर ये रिंग लगता है। रिंग भी बहुत बुरी कंडीशन में था, पूरा एरालाइट से भरा हुआ था, तो गर्म करके फिर हम इसको ग्राइंडर से साफ़ किए हैं। तो रिंग हम यहाँ रख दे रहे हैं। ये हमारा सेकेंड स्पाइडर है, ये भी ये सिलिकॉन ग्लू स्पाइडर है। आप चाहे तो यहाँ पर हार्ड स्पाइडर यूज कर सकते हैं। और ये नॉन प्रेस पेपर है, पीडी का ही पेपर है, पीडी के लिए स्पेशल बनता है। आप देख सकते हैं 5 इंच वॉइस कॉइल में है और डबल रिंग में आता है। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि 4 इंच वॉइस कॉइल वाले को ही काट करके 5 इंच में लगा देते हैं, बट उसका पेपर अलग होता है, इसका पेपर अलग होता है, काफ़ी हार्ड होता है और इसका रिंग भी काफ़ी हार्ड होता है। तो 4 इंच वॉइस कॉइल का जो पेपर होता है वो 4.5 इंच में लगाएंगे तो चलेगा, बट 5 इंच के लिए आप जो पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है वही आप लिया कीजिए। तो ये देखिए, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर क्लॉथ रिंग चिपकेगा और यहाँ पर जो है सो स्पाइडर चिपकेगा, उसको हम साफ़ कर लिए ग्राइंडर से। और अब हम इसका पोल साफ़ करेंगे। तो पोल साफ़ करने के लिए हम एनसी थिनर यूज़ करेंगे। एक साफ़ कपड़ा हम पीवीसी सीट के ऊपर लपेट लिए हैं और एनसी थिनर हम उस पर डाल दे रहे हैं। एनसी थिनर क्या होता है, जो भी इसमें डस्ट होगा या जो भी एयरलाइट का जला हुआ पार्टिकल्स होगा या जो कुछ भी होगा कार्बन होगा, वो पूरा साफ़ करके पोल से निकाल देगा। तो ये देखिए, क्लॉथ आपका साफ़ होना चाहिए, तो वो पूरा जो भी वहाँ डस्ट पार्टिकल है उसको अपने में निकाल के रख लेगा। अभी देखते हैं इसमें कितना डस्ट निकलता है, क्योंकि स्पीकर तो बुरी तरह से जला हुआ नहीं था, लेकिन ये देखिए ज़्यादा डस्ट नहीं था क्योंकि स्पीकर बुरी तरीके से जला हुआ नहीं था, बट पेपर 4 इंच वॉइस कॉइल का यूज़ करने की वजह से पेपर जगह जगह से ख़राब हो गया था। सबसे पहले हम आपको कॉइल सेटिंग करके फिर स्पाइडर फिट करके डमी आपको हम स्पीकर बना के दिखाएंगे, उसके बाद रिकोन करेंगे। डमी का मतलब हम पहले कॉइल सेट करेंगे, कॉइल का सेटिंग आपको बताएंगे, फिर स्पाइडर कहाँ पर सेट करना है वो बताएंगे, फिर रिंग लगा के बताएंगे, उसके बाद फिर वापस स्पाइडर लगाएंगे, उसके बाद पेपर लगा करके आपको दिखलाएंगे, उसके बाद हम इसको रिकोन करेंगे। तो ये देखिए, कॉइल यहाँ पे आपको लगभग 20% बाहर रखना है, क्योंकि ये सिंगल मैग्नेट है और कॉइल इसका 30 mm का बनता है। तो आपको यहाँ पे 20% कॉइल बाहर रखना है। 20% बाहर रखने से क्या होगा कि कॉइल आपका तलिए में जाकर टच नहीं होगा, वरना पट पट का आवाज़ करेगा। और सेकेंड चीज़ है, इसका पोल अंदर से थोड़ा सा बाहर निकला होता है, लगभग 7 से 8 mm। तो कॉइल आपका अंदर खेलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, आउटर साइड में नहीं मिलेगा, इनर साइड में मिलेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे 20% कॉइल बाहर रखिए। अगर उससे 30 mm का अगर आपका कॉइल है तो 20% आप बाहर रखिए, लेकिन अगर आप 25 mm का कॉइल डाल रहे हैं तो 10% भी चलेगा। तो ये देखिए, हम कॉइल सेट कर दिए हैं। इसके ऊपर अब हम सिंगल जो अपना ये है, दो अपना पीवीसी सीट जो है वो डबल करके हम आपको आउटर में घुमा के दिखा देते हैं। कॉइल कहीं पर टच नहीं हो रहा है। अंदर हम इसमें 7 नंबर की 2 शीट डाल करके जाम किए और बाहर 7 नंबर की 2 शीट घुमा के दिखा दिए। तो कॉइल हमारा एकदम सेंटर में बैठा है, कहीं पे भी घसेगा नहीं, कहीं से भी खरखर की आवाज़ नहीं आएगी। ये अपना जुपिटर कंपनी का स्पाइडर है, सिंगल स्पाइडर है। इसको हम सबसे पहले नीचे लगाएंगे, ये सपोर्टिंग का काम करता है। और इसके बाद फिर हम इस पर मार्क करके, उसके बाद फिर हम इसमें एक रिंग रख देंगे। ये देखिए, हमने मार्क कर दिया, क्योंकि मार्क करने के बाद उसी जगह पे हम एरालाइट लगा के सबसे पहले सिंगल स्पाइडर को जाम करेंगे। अब हम इस पर रिंग रख दे रहे हैं, रिंग के ऊपर फिर हमारा ग्लू वाला स्पाइडर आएगा। अब चाहे तो यहाँ ग्लू वाला स्पाइडर नहीं लगा करके जुपिटर कंपनी का हार्ड वाला स्पाइडर आप लगा सकते हैं। 2 स्पाइडर इसमें आपको लगाना ही है। अगर आप सोचते हैं कि सिंगल ग्लू स्पाइडर लगा देंगे तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन जब स्पाइडर लूज हो जाएगा तो कॉइल आपका पट पट आवाज़ करने लगेगा। ये देखिए, हम मार्क कर दे रहे हैं। अब इसके ऊपर हम आपको पेपर बिठा करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये बराबर 4 इंच का पेपर है, डबल डोर रिंग में है। इसमें क्लॉथ जो है डबल डोर का काफ़ी हार्ड आता है, काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ गया। अब देख सकते हैं ये डमी स्पीकर रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं सारे चीज को, और उसके बाद फिर हम इसमें जो है सो स्पाइडर को जाम करेंगे। तो ये देखिए, सारे चीज निकाल दिए।
स्टिकर बनाने के लिए हम बोन टाइट इस्तेमाल करेंगे। बोन टाइट ये 5 मिनट में सूखने वाला एडिसिव है, तो हाथ यहाँ काफ़ी तेज चलाना होगा। बोन टाइट मिक्स कर लिए हैं, इसको ब्लैक करने के लिए हम यहाँ पे जेरोक्स पाउडर डालते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे बड़ा वीडियो भी अवेलेबल है और शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि बोन टाइट या रेलाइट को ब्लैक कैसे किया जाता है। तो ये बोन टाइट को हम जहाँ पर दाग दिए थे स्पाइडर के जस्ट ऊपर सरफेस में अच्छी तरीके से फैला करके लगा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसके स्पाइडर रखेंगे तो जो बोन टाइट ऊपर है वो गोल गोल घुमाते हैं, जब नीचे डालेंगे तो अच्छी खासी मात्रा में बोन टाइट जो है स्पाइडर के अंदर वाले भाग में लग जाएगा, और फिर पलट करके रख देंगे तो वो रिवर्स आ करके और स्पाइडर को काफ़ी अच्छी तरीके से जाम कर देगा। हम आपको आगे वीडियो में बतलाएँगे और जिस चीज़ के अभी हम वर्णन किए, ये देखिए हम एरालाइट लगभग बोन टाइट हमारा पूरा फाइल के ऊपर लग गया है। आपको बोन टाइट पतले सरफेस में लगाना है, लेकिन फैला करके लगाना है, ज़्यादा लगा देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, और नहीं तो फिर बोन टाइट यहीं सूख जाएगा। ये देखिए हम स्पाइडर को यहाँ रख दिया और इसको गोल गोल घुमाते हुए भी हम नीचे लेके जाएंगे। स्पाइडर एकदम परफेक्ट जाम है, उसको हमने एक्स्ट्रा काटा नहीं है, उसी साइज में है। इसको देखिए गोल गोल घुमाते हुए हम नीचे लेके जा रहे हैं। इससे क्या होगा, सारा बोन टाइट खिसक करके नीचे चला जाएगा, और फिर फटाक से हम इस स्पीकर को पलट करके रख देंगे। पलट करके रखने से क्या होगा, बोन टाइट कॉइल के अंदर ना जा करके जो भी एक्स्ट्रा बोन टाइट होगा रिवर्स आ करके अपना जो है स्पाइडर के ऊपर ही चिपक जाएगा और काफ़ी अच्छा मजबूत जोड़ बना लेगा। 5 मिनट हो गया है, तो अब हम कॉइल निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आप नए स्पीकर बनाने वाले हैं तो आप एक साथ स्पाइडर और कॉइल मत पेस्टिंग कीजिए, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। हाँ, हम लोग का अनुभव है तो हम एक साथ करेंगे, चलेगा, बट आप लोग मत कीजिए। तो ये देखिए अंदर साइड से हम दिखलाते हैं, बोन टाइट काफ़ी अच्छी तरीके से फैल गया, और ये देखिए इस जगह पे थोड़ा थोड़ा बोन टाइट बहा हुआ है जो स्पाइडर पे आकर के बैठ गया है। अगर हम पलट करके नहीं रखते तो वो बोन टाइट कॉइल में चला जाता और स्पीकर जाम हो जाता। अब अगले पार्ट में हम जो है सो इसके स्पाइडर में अच्छी तरीके से बोन टाइट फटाफट लगा दे रहे हैं। बोन टाइट 5 मिनट में सूखता है, आप फटाफट यहाँ हाथ चलाइए। ये आजकल एक नया अपना एरालाइट का केमिकल आया हुआ है, 120 मिनट्स का एरालाइट 120, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो 2 घंटे में सूख जाता है। तो ये देखिए बोन टाइट हम अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब इसके अंदर हम 7 नंबर की जो सीट थी उसको अच्छी तरीके से फिक्स करके और फिर हम कॉइल को सेट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको हाथ काफ़ी तेज चलाना है। ये देखिए हमारा अंदर पीवीसी सीट फिक्स हो गया है, अब हम इसको पोल के ऊपर सेट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि कॉइल का जो वायर निकला हुआ है वो कनेक्टर सॉकेट के सामने हो, क्योंकि अब हम कॉइल को से अब हिला नहीं सकते, तो कनेक्टर सॉकेट से अगर अगल बगल सेट हो जाएगा तो फिर आपको बाद में टनसिल वायर लगाने में तकलीफ हो जाएगा। ये देखिए कॉइल अच्छी तरीके से सेट हो गया है, अब हम एक स्क्रू ड्राइवर से इसको दबा दे रहे हैं ताकि जो अपना बोन टाइट है वो अच्छी तरीके से बास्केट में चिपक जाए, और इसके ऊपर हम रिंग रख दे रहे हैं। दोस्तों, अभी हम रिंग चिपका नहीं रहे, सिर्फ स्पाइडर अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो इसके लिए रिंग रख करके इसके ऊपर एक गोल लकड़ी रख करके और फिर हम उसके ऊपर स्पीकर रख करके दबा देंगे जिससे वो अच्छी तरीके से सूख जाए। ये देखिए ये स्पीकर का कटिंग हम रखे हैं, 12 इंच का है, अंदर उसका हम कॉइल साइज कट करके रखें और इसके ऊपर हम एक स्पीकर पलट करके रख देंगे। ये लकड़ी ना रहे तो भी आप किसी और चीज़ से भी उसको दबा सकते हैं, इंपॉर्टेंस वहाँ पर क्या है कि आपको स्पाइडर दबा करके रखना है। ये हम इसके ऊपर बड़ा 10 इंच का स्पीकर रख दिए, अब वो दब जाएगा, 5 मिनट में सूख जाएगा। दोस्तों, 5 मिनट के बाद फिर हम इसको निकाल करके फिर हम वापस इसमें सेकंड स्पाइडर लगाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, अब इसको हम निकाल देते हैं। चूँकि स्पाइडर में हल्का सा बोन टाइट लीकेज हुआ होगा तो हमारा यहाँ पे जो रिंग है वो चिपक सकता है, तो इसको आपको इसको ड्राइवर से उखाड़ लेना या उखड़ जाएगा क्योंकि एक दो जगह हल्का हल्का चिपका रहता है। तो ये देखिए इसको ड्राइवर से हम इसको निकाल देते हैं, ये आसानी से निकल गया। ये हमारा पहला स्पाइडर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो गया। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर यह रिंग में स्क्रू टाइट करने वाला होल होता जो कि ओरिजिनल पीडी में होता है, ये पीडी कॉपी है, तो हम यहाँ पे इसको स्पेप 7 से चिपकाते और एलेंकी या स्क्रू टाइट कर देते, लेकिन चूँकि इसमें चिपकाने का जगह मतलब स्क्रू टाइट करने का जगह नहीं है तो मजबूरी में हमें इसको बोन टाइट से चिपकाना पड़ रहा है। अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा दोस्तों वो एलाडाइट से होगा। ये हम 120 यूज़ कर रहे हैं, ये लगभग 2 घंटे में सूखता है क्योंकि यहाँ पे हमें कॉइल पे भी एरालाइट लगाना है, रिंग पे भी लगाना है, सेकंड जो स्पाइडर लगाएंगे उस पे भी लगाना है, तो बोन टाइट उतने टाइम में सूख जाएगा। तो ये हम एरालाइट 120 यूज़ कर रहे हैं और हम कॉइल के ऊपर एरालाइट 120 अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, और ये देखिए रिंग के ऊपर भी हम एरालाइट 120 अच्छी तरीके से लगा दिए हैं।
और जो हमारा इसके ऊपर स्पाइडर चिपकाएंगे उसके जो आउटर जो सरफेस है उसके ऊपर भी हम एरालाइट 120 चिपका दे रहे हैं। दोस्तों एरालाइट स्टैंडर्ड 8 घंटे में सूखता है, एरालाइट 120 2 घंटे में सूखता है, तो हम यहाँ पे एरालाइट 120 यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो सिलिकॉन ग्लू स्पाइडर है उस पर भी एरालाइट 120 लगा करके एक नोकदार स्क्रूड्राइवर से उसको घुमा करके हम सेट कर दे रहे हैं। और दोस्तों जब ये स्पाइडर घुमा घुमा के सेट करेंगे तो एरालाइट 120 जो है वो नीचे से उसमें आकर के अच्छे तरीके से चिपक जाएगा और नीचे वाले स्पाइडर को भी जाम कर देगा। अब हम इसको ड्राइवर से इसको दबा दे रहे हैं ताकि रिंग के ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, और फिर इसको भी हम वजन से दबा करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों अब फिर से ध्यान रखिए, यहाँ पर हम इसको बोन टाइट से सेकेंड टाइम जो चिपकाए और नहीं चिपकाए, यहाँ पर अगर आपके पास आपके शहर में एरालाइट 120 नहीं मिलता है तो आप एरालाइट स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको सूखने के लिए छोड़ दिए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, दबा करके छोड़ दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब इस पर पे हम पेपर लगाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो बोनटाइट यूज़ कीजिए या एरालाइट 120 यूज़ कीजिए या एरालाइट स्टैंडर्ड यूज़ कीजिए, चलेगा। तो हम यहाँ पे एरालाइट 120 ही आगे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए एरालाइट 120 को हम स्पाइडर और कॉइल का जो सरफेस बचा हुआ है उसके बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पतली स्क्रूड्राइवर में लेना है और राइट हैंड घुमाते हुए लगाते जाना है, तो उससे क्या होगा वो कॉइल पे अच्छी तरीके से पेस्ट होकर के बाकी जो एरालाइट है वो आपका स्पाइडर के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हम गोल गोल घुमाते हुए लगा रहे हैं, आप हमारे हाथों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बोनटाइट यहाँ पे लगाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, एरालाइट 120 लगाते हैं तो चलता है। जब पूरे सरफेस में लग जाएगा तो फिर इसको एक आराम से गोल घुमा दीजिए ताकि सब सरफेस में जो है सो आपका एरालाइट जो है अच्छी तरीके से फैल जाएगा। और फिर हम एरालाइट 120 को कोन पेपर के जड़ में भी लगा दे रहे हैं ताकि वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं एरालाइट 120 कोन के हम जड़ के पास लगा दे रहे हैं। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट हम अपने बड़े स्पीकर्स में जड़ के पास लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जड़ के पास वो मजबूत जोड़ काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों साइड से हो जाता है। क्योंकि अभी हम एरालाइट 120 अंदर साइड से भी भरेंगे, ये बाहर साइड से जो स्पाइडर और कॉइल के बीच में जमा होगा वो यहाँ पर एक साथ लेकर के चिपक जाएगा। अब यहाँ पर रिंग चिपकाने के लिए हम स्पेप 7 जो है बास्केट में चारों साइड फैला दे रहे हैं। दोस्तों स्पेप 7 हम 1 लीटर के डब्बे में लाते हैं और छोटे से ट्यूब में निकाल के रख लेते हैं। अगर आपके यहाँ स्पेप 7 नहीं मिलता हो तो आप फेविबॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नज़दीक के जो भी मोची जूते सिलता है उनसे मिलिए, वो जूते जिस एडहेसिव से चिपकाते हैं वो बता देंगे, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सारे एडहेसिव एक होते हैं, नाम सिर्फ अलग अलग होता है। इसको गोल गोल घुमाते हुए हम पेपर को जो है सेट कर दिए हैं, और चूंकि 120 हम यूज़ किए हैं तो ये अभी हमारा एरालाइट अभी भी गीला है, तो उसी बचे हुए एरालाइट को हम अंदर साइड से भी डाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, एक साथ दोनों जो है अंदर का और बाहर का एरालाइट अच्छी तरीके से सूख जाएगा। लेकिन अगर ये बोन टाइट होता तो मुझे दोबारा बनाना पड़ता। तो ये देखिए अंदर साइड से हम गोल गोल घुमाते हुए एरालाइट 120 को हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। दोस्तों अब फिर से ध्यान रखिए, उसका नाम एरालाइट 120 है। अभी हम यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डाल देंगे उसका, आप अपने शहर में ढूंढिए, शायद मिल जाए, काफ़ी अच्छा केमिकल है, 2 घंटे में सूखता है, और नए मैकेनिक के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि बोनटाइट जो है वो फटाक से सूख जाता है तो फिर हाथ फंस जाता है वहाँ पे। अब ये जो हम इसको उंगली से दबा दे रहे हैं जिससे स्पेप 7 अच्छी तरीके से वहाँ चिपक जाएगा, और ये एरालाइट 120 को हम गर्म कर दे रहे हैं ताकि वो पिघल करके और आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा गर्म कर देने से ये जल्दी सूखता है। तो ये देखिए हम इसको गर्म करके फिर इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों लगभग 1 घंटा हो गया है तो एरालाइट 120 काफ़ी अच्छी तरीके से जाम हो गया है, बट पूरा सूखा नहीं है, तो अंदर जो सीट हम डाले हैं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और एक नोकदार स्क्रूड्राइवर से टर्मिनल के सामने होल करके हम यहाँ लीड वायर लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लीड वायर लगा रहे हैं HGF 45B, ये काफ़ी जाड़ा होता है और ये ऑडियोटोन कंपनी का है, काफ़ी अच्छा लीड वायर है, जाड़ा होता है, 5 इंच या 6 इंच वॉइस कॉइल के लिए एकदम परफेक्ट लीड वायर है। आपका स्पीकर जब तक रहेगा तब तक ये लीड वायर आपका ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अभी तक हमने इसको कम से कम 500 स्पीकर में लगाया है लेकिन ये लीड वायर टूट करके नहीं आया, लेकिन इसको हम 5 इंच साढ़े और 6 इंच के कॉइल में ही लगाते हैं। तो जैसा हम आपको हरदम बताते हैं कि लीड वायर में आप कॉइल की वायर को अच्छी तरीके से गोल गोल लपेट करके फिर सोल्डिंग कीजिए, तो ये देखिए गोल गोल हम लपेट दिए हैं और फिर इसको हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर आपको सोल्डर वायर काफ़ी अच्छी तरीके से लगाना है ताकि वो कॉपर और लीड वायर के बीच में अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए और ड्राई सोल्ड होने के सारे चांसेज बंद हो जाए। तो ये देखिए दोनों लीड वायर को हम सोल्डिंग कर दिया, अब स्क्रू ड्राइवर से हम उसको जड़ के पास दबा देंगे।
ताकि जब उसके ऊपर हम एरालाइट 120 लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से फ्लैट होकर के पेपर को चिपक करके अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एरालाइट हम 120 बना करके हम इस पर लगा दे रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद जब ये टाइट हो जाएगा तो जो बचा हुआ एरालाइट 120 है वो भी टाइट हो जाएगा। तो उसको आप जड़ के पास पीछे साइड से पेपर में चिपका करके आपको लीड वायर में चिपका देना है, जिससे जब ये स्पीकर काफ़ी तेज़ वर्किंग लेगा तो नीचे से आपका लीड वायर टूटेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर रेडी हो गया है, अभी सूख रहा है ये, इसके लिए हम अंदर का शीट नहीं निकाले हैं। जब 2 घंटे हो जाएगा तो फिर हम शीट निकाल करके इसमें कैप लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब में समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, ये 3 स्पीकर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, तीनों स्पीकर हम एक साथ ही रिपेयर किए हैं, पर वीडियो हम एक ही स्पीकर का बनाए हैं। 2 घंटे के ऊपर हो गया है तो हमारा एरालाइट 120 अच्छी तरीके से सूख गया है, तो हम अंदर जो शीट 7 नंबर का 2 शीट डाले थे उसको निकाल देते हैं और इसके बाद हम इसमें कैप लगाएंगे। दोस्तों, कैप लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक कैप आप ले लीजिए और उसको आप पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से रख दीजिए। ये कैप आपको हार्ड वाला लेना है, हम तो सिलेक्शन कंपनी का स्पेशल मंगाए हुए हैं, क्योंकि 5 इंच का वॉइस कॉइल है तो काफ़ी तेज़ वर्क होता है ये। और कैप रख करके आप उसके ऊपर मार्कर से दाग दे दीजिए, ताकि कैप जब आप चिपकाएंगे तो मार्क के ऊपर चिपकाएंगे तो आपको कैप एकदम सेंटर में बैठेगा। ये देखिए, इसमें एरालाइट 120 लगा दिए हैं हम, और इसको हम मार्क किए हुए जगह पे 1 हाथ की 2 उंगली से रख करके फिर दूसरे हाथ से पकड़ करके हम एकदम जहाँ पे मार्क किए वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, और अपने हाथों में जो हल्की फुल्की एरालाइट लग गई है उसको पोंछ करके हम वापस कैप को अच्छी तरीके से दबा दे रहे हैं। दबा देने से क्या होगा, कैप में लगा हुआ एरालाइट 120 जो है वो पेपर में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब इसको हम हल्का सा इसके ऊपर वजन रख देंगे, ज़्यादा तेज अगर वजन रख दीजिएगा तो क्या है, कैप दब सकता है, तो आप हल्का वजन रख दीजिए। ये सूख गया है तो अब हम इस पे बाहर में जो है सो रिंग में अपना गैस्केट लगाएंगे, जो स्पंज की टुकड़ी से हम काट करके रखे हैं। इसमें चूंकि इसका ओरिजिनल कुछ भी सही नहीं था तो ये हम स्पंज की एक टुकड़ी काट करके रखे हैं, उससे हम इसका जो स्पेप 7 है जो क्लॉथ रिंग के ऊपर लगाए उसको अच्छी तरीके से फैला लिए हैं। और स्पंज की जो शोल होता है, जो चप्पल्स वगैरह बनता है, वो हम ले के आते हैं किलो के हिसाब से, उसका हम पतला पतला रिंग काट करके रख लिए हैं, और उसमें हम पहले से ही उसमें स्पेप 7 हम लगा करके रख लिए हैं। हम आपको दिखलाते हैं, ये देखिए, इस पर हम पहले से ही स्पेप 7 लगा करके रख लिए हैं। ये चप्पल का शॉल है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट सोल है, और इसको हम काट लें। अब इसको हम यहाँ पे रिंग लगा देंगे, क्योंकि ये गैस्केट जो है इसमें होल का कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि स्क्रू टाइट करने वाले होल गैस्केट के बाहर आता है। तो हम बराबर इसको मैच करते हुए गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको स्पेप 7 ही यूज करना है, ये जब सूख जाएगा तो अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, और बाद में फिर हम इसको एक वजनदार लकड़ी से ठोक देंगे, जिससे जो भी उसके बीच में गैप होगा, एयर का गैप होगा, वो निकल जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से वो पेस्टिंग हो जाएगा। तो गैस्केट पूरे सरफेस पे अच्छी तरीके से ये देखिए लग गया है, थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है तो इसको हम लगा करके और फिर उतना एक्स्ट्रा हम काट देते हैं। स्पंज के रिंग को स्टैंडर्ड भाषे में गैस्केट बोला जाता है, उसको हम चिपका दिए और ये देखिए हम लकड़ी से उसको ठोक दे रहे हैं, जिससे अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। स्पीकर दोस्तों रेडी हो गया है, इसके बाद हम इसका माइनस प्लस चेक करेंगे और ये स्पीकर एकदम से रेडी हो जाएगा। इसमें हम 9 वोल्ट्स का 1 एम्पियर का वायर ये यूज कर रहे हैं। ये देखिए, प्लस में हम प्लस लगाए, माइनस में माइनस लगाए, स्पीकर बाहर की तरफ जंप ले रहा है, तो स्पीकर हमारा सही है। तो दोस्तों, ये स्पीकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे इस पीडी स्पीकर के रिकॉर्डिंग वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय सियाराम।